ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आइए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे ही चर्चा करते हैं कि हमारी कुंडली में बहुत सारे योग और दुर्योग होते तो अवश्य हैं, परंतु फल क्यों नहीं देते। और हम देखते हैं कि हमारी कुंडली में हंस महापुरुष योग है, अर्थात पंच महापुरुष योग हैं, साथ ही लग्नेश लग्न में है, आयेश आय भाव में है या धनेश आय भाव में, अर्थात जो भी उत्तम योग बताए गए हैं वो दिख रहे हैं और उनका सुफल नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही हमारी कुंडली में जो भयंकर दुर्योग बताए जाते हैं वो भी कई दिखते हैं, परंतु वैसा दुर्योग नहीं दिख रहा है, तो ऐसा क्यों? बहुधा जो ज्योतिष के सामान्य जानकार हैं और यहाँ तक कि बहुत सारे हमारे विद्वान ज्योतिष मित्र भी हैं जो काफ़ी सीनियर भी हैं, और हमने विगत ही कुछ दिनों पहले जब बिगिनर था मैं, आज के साल भर पहले, तो हम भी सुने कि तो बालारिष्ट योग का कोई विशेष परिणाम प्राप्त नहीं होता है और ये बस वैसे ही कह दिया गया, या चंद्रमा अष्टम में है और दशा अच्छी जा रही है तो ये तो बालारिष्ट का कोई प्रभाव नहीं है, तो अच्छा नहीं लगा। इस संबंध में हम थोड़ा आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि अच्छे योग अच्छा फल क्यों नहीं देते, बुरे योग बुरा फल क्यों नहीं देते, और यदि फल देंगे, अच्छा फल देंगे तो कब देंगे, बुरा फल देंगे तो कब देंगे। इससे पहले यदि चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी समस्त वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती जाए। वीडियो बेल आइकन भी दबाएं, जो घंटी होगी उसको भी स्पर्श करें, इससे सारी वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहेगी और आपको भी आनंद आएगा, हमारे लिए भी उत्तम होगा। तो हम इसी पे चर्चा करते हैं। ऐसा अभी विगत में ही कुछ एक जातक ने ऐसा पूछा कि हमारी कुंडली में लग्नेश लग्न में ही है, साथ ही में शुभ ग्रह भी लग्न में है और आय भाव में उच्च का ग्रह है, और फिर भी ऐसा कुछ फल दिखा नहीं और मैं बराबर परेशान हूँ, और शादी के कुछ दिन हो गए, विवाह के बाद एक बेटा और बेटी है, फिर भी तलाक हो गया। ऐसा मतलब एक विशेष जातक का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा बहुतों का होता है। हम भी जब बिगिनर थे और कईयों से दिखाए तो ऐसा ही था। तो ये अच्छी प्रकार से हमें जान लेना होगा कि जो हमारी कुंडली के लग्न चार्ट में जो भी योग दिख रहे हैं, क्या वास्तव में वे योग अप्लीकेबल हो रहे हैं या भंग हो जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें यह जज करना होगा कि जो कुंडली में दुर्योग बने हुए हैं वो दुर्योग कहीं कैंसिल तो नहीं हो जा रहे हैं, वो दुर्योग भंग तो नहीं हो जा रहे हैं, और यदि भंग हो जा रहे हैं तो दुर्योगों का बुरा फल नहीं प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारी कुंडली में अच्छे योग बने हुए हैं और वो कैंसिल हो जा रहे हैं तो उनका अच्छा फल भी नहीं मिलेगा। अब इसके बाद भी एक सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि हम अब दशाओं को देखना भूल जाते हैं। अब वैदिक ज्योतिष की बात है, बिनसौंतरी दशाओं की इसमें प्रमुखता है, और इसमें हम केपी ज्योतिष को और इसमें हम जो है अन्य ज्योतिष को इसमें जब मिलाते हैं तो हमारे लिए और परेशानियां खड़ी होती हैं और रिजल्ट मिलना मुश्किल होता है। तो जब बिन अच्छी प्रकार से ज्योतिष की नॉलेज गहराई तक होगी तभी हमें यह पता चल पाएगा। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए कि ग्रहों का स्वरूप क्या है, योग बने हैं तो उनका स्वरूप क्या है, फिर चलित कुंडली में अर्थात लग्न का अंश क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लग्न का अंश यदि बहुत कम है, 5 अंश से नीचे है और 25 अंश से बाद है तो ग्रहों की स्थिति बहुत कुछ बदल जाएगी। उसके बाद ग्रहों का भी अंश क्या है, ग्रहों का भी अंश यह तय करेगा कि वो ग्रह जब भाव स्पष्टि होगा अर्थात चलित कुंडली में अपने स्थान बदल तो नहीं रहे हैं, और ये खास करके होगा कि ग्रह केंद्र में है और भाव चलित में अपने केंद्र से हट गया, सप्तम में है तो कहीं छठे में जा सकता है, आठवें में जा सकता है, एकादश भाव में है तो कहीं वो 12वें जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से लग्न में दिख रहा है, दूसरे भाव में जा सकता है और द्वादश भाव में जा सकता है, चतुर्थ में दिख रहा है कहीं तीसरे में जा सकता है और पंचम में जा सकता है। तो ये चलित कुंडली अपने आप में लग्न कुंडली का ही
अस्पष्टीकरण है उसे नकारा नहीं जा सकता, और मैं तो प्रयोगों में ऐसा देख रहा हूँ कि इसका विशेष प्रभाव है। लेकिन जो हमारे एप्लीकेशंस देख रहे हैं, एप्लीकेशंस में चलित कुंडली में ग्रह भाव तो बदल रहे हैं, राशि भी बदल जा रही है, जबकि राशि वही रहेगी जो हमारे लग्न कुंडली की होती है। उसके बाद से नवमांश चक्र भी देखना है, उसके बाद से ग्रह वर्गोत्तम तो नहीं है ये भी देखना है, और ग्रहों का षडबल जो है वो देखना है। षडबल ही निर्धारित करेगा कि ग्रह बलवान है या नहीं है। तो ग्रह के स्वरूप को हमने देख लिया, नवमांश चक्र को देख लिया, और अन्य खास करके चलित कुंडली को देख लिया। चंद्र कुंडली को भी उतनी ही महत्ता हमारे विद्वानों ने दिया है जितना लग्न कुंडली को। यूँ तो सुदर्शन चक्र की विधा है कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, परंतु सूर्य एक माह में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली तो अवश्य ही देखी जानी चाहिए। लग्न 2 घंटे में ही बदल जाता है और चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी राशि को बदल लेता है। इस कारण लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली की विशेष उपयोगिता है। तो जो योग लग्न कुंडली से देखने हैं वो चंद्र कुंडली से भी हमें अवश्य देख लेने हैं, ऐसा विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में लिखा हुआ है। और इन्हीं की जो क्षमता है वही हम अपने बता पाते हैं, नया हम कहाँ से ले आ पाएंगे, और जो आज दावा कर रहे हैं वो भी नहीं ला पाएंगे। हाँ, उसका परिवर्तित रूप ला पाएंगे, नए सूत्रों को नहीं ईजाद कर सकते, उसी की व्याख्या वो कर सकते हैं जिन्होंने ये लिखा है। जितना लिख दिया है उसी को हम समझ लें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और हम फल कथन में बहुत ऊंचाइयों तक जा पाएंगे। अष्टक वर्ग को भी हमें देख ही लेना चाहिए। अब दशाओं का बहुत बड़ा रोल है। तो ग्रह देखा, स्पष्टीकरण देखा, उसके बाद ग्रह फल कब करेंगे, अच्छे फल या बुरे फल, ये तब तक प्राप्त नहीं होंगे जब तक उन ग्रहों की दशाएं नहीं आएंगी। अब दशाएं 5 प्रकार की बताई गई विंशोत्तरी दशा में। जो मुख्य दशा है वो विंशोत्तरी है, वो 5 प्रकार की है। महादशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, और सूक्ष्म दशा, और उसके बाद से प्राण दशा, उसके बाद से गोचर। तो गोचर की भी अपनी अलग महत्ता और भूमिका है, और गोचर हमें चंद्र कुंडली से ही देखना है, अष्टक वर्ग से देखना है, तब हम लग्न कुंडली से देखेंगे। अब महादशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 25-25% यदि लीजिए तो 75% इनका रोल है, और 25% गोचर में कुल मिला लेंगे तो उसी में हमारा आ जाएगा सूक्ष्म दशा और प्राण दशा का विश्लेषण। तो इसीलिए अब उदाहरण के तौर पे बताते हैं, धनु लग्न ही हो, लग्न में ही गुरु हो, राहु केतु के अक्ष में हो, अर्थात लग्न में ही राहु हो और सप्तम में केतु हो जाए, शनि उच्च का होकर के लाभ भाव में बैठा हो, और मंगल पंचमेश होकर के 12वें स्वराशि का चला गया हो। अब इस पोजीशन पे देखिए, अब पुत्र प्राप्ति का विचार करना है तो आप देख रहे हैं कि भाव पीड़ित, भावेश पीड़ित और कारक पीड़ित। भावेश कैसे पीड़ित, तो पाप करते लगा दीजिए, राहु के और शनि के बीच में वो आ गए 12वें में। दूसरा, अपने से मंगल 8वें गया। अब बहुत लोग कहेंगे अपनी राशि में है, जी नहीं, अपने से 8वें गया, अपनी राशि में है तो अष्टम 2 का फल अर्थात वृश्चिक का फल उत्तम करेगा, मेष के लिए वो अच्छा नहीं हुआ। तो क्या जातक की संतति होगी या नहीं होगी, तो राहु की दशाओं में तो मुश्किल है, शनि की दशाओं में भी मुश्किल ही है, क्योंकि शनि वहाँ से उच्च का है। अब भले है लेकिन शनि उसकी शत्रु दृष्टि पड़ेगी और वो पंचम को पीड़ित करेगा, राहु की भी दृष्टि पंचम पड़ेगी, पीड़ित होगा, भावेश भी चला गया दुस्थान भाव में, अपने से अष्टम चला गया, पाप कर्त्री में गया, तो अच्छी स्थिति नहीं बनी। अब ये दशा राहु की चल रही, लेकिन जब गुरु की दशा आएगी तो पुत्र होगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि है। अब योग तो हंस महापुरुष का योग है, और आप कहेंगे कि गुरु की पंचम दृष्टि है पंचम भाव पे, और साथ ही
हंस महापुरुष योग बना के है, लग्नेश लग्न में है, फिर भी ऐसा फल क्यों नहीं मिल रहा है? तो दशाओं के फल में यह बताया गया कि यदि ग्रह स्वगृह भी हो, पीड़ित हो और सदबल में निर्बल हो तो उसकी दशा में जो है संपूर्ण सुफल प्राप्त नहीं होते। तो एक ये उदाहरण रहा। इसी प्रकार से हम हर प्रकार की कुंडलियों में ये देखेंगे। दूसरा, सदबल में भी कई प्रकार के बल हैं, तो सदबल में भी विद्वानों ने बताया है। इसको क्रम से जब हम पढ़ेंगे ना तो बहुत सारा, इसीलिए तो हमने ये दिखाया है। अन्य सारी वीडियो में हम नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि अभी हमारे पास माइक नहीं है और इसी से हम वीडियो बनाते हैं। तो हमने सोचा कि ज़रा बता दें, साथ ही जो नए दर्शक होंगे उनको पता भी चलेगा, टेक्स्ट बुकों के ये नाम भी मिल जाएंगे और भी बहुत सारी भोजराज द्विवेदी की पुस्तकें ऊपर हैं और ये टेक्स्ट बुकें हैं। और उसके बाद से तो इसी कारण इसी तरह से मैं वीडियो बनाता हूँ, समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड आदि का इस्तेमाल करता हूँ। तो आज जितना मैं अभी सीख रहा हूँ आप भी सीखेंगे, और यदि केवल सुन के सीखना है तो ठीक है, यहाँ से बहुत कुछ सार तो मिल जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे ज्योतिषी भी हैं जो अपने मनगढ़ंत बातों को कह दिया करते हैं, तो उसे लेंगे तो फल कथन में सटीकता नहीं मिल पाएगी, उसके लिए टेक्स्ट बुक में जाना होगा, नहीं तो सतही जानकारी रह जाएगी। और जब रत्नों का निर्धारण करना होगा तो सामान्य रूप से रहा हो तब तो निर्धारण हो जाएगा, वरना सही रत्नों का निर्धारण भी करने में बहुत परेशानी होगी। यदि ग्रहों के बारे में गहराई से योगों को नहीं समझ पाया और दशाओं को नहीं समझ पाया तो जिनको ज्योतिष के बारे में गहराई से सीखना है उनको इनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए, और जिनको सिर्फ अपनी पत्रिका को समझना है तो हमारे साथ लगे रहिए। व्हाइट बोर्ड पर एक एक भाव को मैं समझाता ही रहता हूँ, और साथ में कुछ इसी प्रकार के अन्य जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनको चुन सकते हैं। जो अपने कहें कि पुराने एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं है, हम ही नए लोग सब कुछ हैं, तो निश्चित तौर पे उस पर आपको शक जाहिर करना चाहिए और उसकी बातों को संदेह के अंदर लेना चाहिए, जांचने परखने के बाद ही मानना चाहिए। तो फिर आते हैं हम दशाएँ। तो जब दशा आएगी तो दशा में जो ग्रह होगा वो अपना फल अपने स्थिति अपने स्थान और अपने बलावल के अनुसार करेगा, युति के अनुसार करेगा, और दृष्ट यदि किसी से प्रभावित है अर्थात किसी से युत है दृष्ट है तो उनका प्रभाव भी उस ग्रह पर पड़ेगा। जैसे अभी जो उदाहरण हमने लिया, लग्न में ही राहु है गुरु है और शनि की दृष्टि भी उस पर पड़ रही है, तो जब गुरु की भी महादशा आएगी तो अपनी महादशा में जब गुरु फल करेगा तो राहु से पीड़ित भी है शनि से भी पीड़ित है, तो इनके प्रभाव में आकर के भी फल करेगा। लग्न में ही स्थित है तो उसके उसका अनुसार फल करेगा, लग्न का फल करेगा, जहाँ जहाँ दृष्टियाँ हैं वहाँ वहाँ का फल करेगा, और अपने नैसर्गिक गुणों का फल करेगा और अपने स्वामित्व का भी फल करेगा। तो इस प्रकार से हमें अन्य ग्रहों के बारे में भी समझना है। तो फल, अच्छा फल या बुरा फल तभी मिलेगा जब ग्रह की दशा चल रही हो। दशा से हम समझेंगे महादशा और अंतरदशा। अंतरदशा का विशेष परिणाम दिखाई देगा, क्योंकि महादशा तो बहुत लंबी होती है, अब वो 20 साल 19 साल 18 साल 17 साल 16 साल इस तरह से दशा, जैसे गुरु की दशा महादशा 16 साल, तो क्या 16 साल यदि गुरु अच्छा है तो केवल अच्छा ही रहेगा? नहीं, गुरु एक सीमित अपने औरा बनाता है और परिणाम जो है उस गुरु के अंदर, जैसे वो गुरु प्रधानमंत्री है उसके अंदर जो है मुख्यमंत्री लोग हैं, ये लोग अपने अंतरदशा वाले हैं, उसके नीचे जिलाधीश आदि को भी हम रख लेंगे, ये लोग हैं प्रत्यंतर दशा वाले, उसके नीचे भी छोटे छोटे अधिकारी वर्ग, इनको हम गोचर और सूक्ष्म दशा और प्राण दशा में रख सकते हैं। ये एक समझने के लिए उदाहरण रहा। तो अंतरदशानाथ को विशेष सावधानी के साथ देखना है, वो विशेष प्रभावित करता है, और प्रत्यंतर दशा भी यदि टाइम सटीक है तो प्रत्यंतर दशाओं में भी बड़े अच्छे निर्णय मिल जाएंगे। अब यदि स्वगृही अब दशा अंतरदशा प्रत्यंतर को देख लिया गोचर को देख लिया, तो दशाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं गोचर की अपेक्षा। पहले दशाओं को देखना है और जिस ग्रह की दशा को देख लिए उसके परिणाम को देखना है वर्तमान में कैसा जाएगा, तो उसके गोचर को भी देख लेना है। यदि गोचर में वह ग्रह
अच्छा नहीं है, मूल कुंडली में अच्छा है, तो उसका फल सामान्य हो जाएगा। यदि मूल कुंडली में ग्रह बहुत साधारण है परंतु गोचर में बहुत अच्छा हो गया है तो भी उसका फल साधारण हो गया। मूल कुंडली में खराब है, आज भी खराब है, तो उसका फल बहुत खराब हो गया। मूल कुंडली में बहुत अच्छा है परंतु आज खराब है तो सामान्य हो गया। मूल कुंडली में बहुत अच्छा है, आज भी अच्छा है और मूल कुंडली में भी अच्छा है, तब तो बहुत ही अच्छा कहिए, वारे न्यारे करने वाले समय होंगे, जिसको गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कहते हैं, तो वो स्थितियाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार से जब हम निर्णय करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जितना अधिक सीखेंगे उतना ही हमारा लाभ होगा, औरों का भी लाभ होगा, अपना लाभ होगा, और दूसरे की पत्रिकाएं देखते होंगे तो उसका भी लाभ होगा और ज्योतिष का भी विस्तार होगा, और वैदिक ज्योतिष पे ही ज़्यादा फोकस कीजिए, अच्छे परिणाम मिलेंगे। थोड़ी सी हस्तरेखाओं आदि का भी अध्ययन कर लेंगे, उसको टेस्टिंग करने के लिए मिला लेंगे तो और ही उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। और मैं जो है इन्हीं दो को लेकर चलता हूँ, अभी और अन्य कहीं जाने का विचार भी नहीं है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष से जो सटीक परिणाम मिल रहे हैं और हस्तरेखाओं से थोड़ा सा मिलान करने के बाद, वो कहीं जैमिनी ज्योतिष या केपी ज्योतिष या अंक ज्योतिष में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंक ज्योतिष को अपनी ही कुंडली से हमने लगा के देख लिया, सरासर गलत है। अंक ज्योतिष के अनुसार तो मिल गया शनि के, और अंक ज्योतिष से रत्न भी लोग बता रहे हैं, और शनि का एक लाजवर तो जमुनिया तक मेरे लिए अत्यधिक नुकसानदायक साबित हो जाता है, तो फिर और हमारा देख ही रहे हैं, तो फिर कैसे कहूँ कि अंक ज्योतिष को अन्य लोगों को सही मान लेना चाहिए। वैदिक ज्योतिष की ओर आइए, स्वयं सीखिए, औरों को भी सिखाइए, औरों को भी बताइए, और अपना लाभ लीजिए, औरों को भी लाभ दिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।